बेंगलोर के अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर अजय हेरूर खुद हमारे रायचूर शहर में महीने में एक मर्तबा विजिट कर रहे हैं। बंदा नवाज कॉलोनी के अजीम मेडिकल में वो हर माह के एक महीने को आते हैं और ख़ास कर रगों के और रीढ़ की हड्डी की अगर किसी को शिकायत है तो आप बंदा नवाज कॉलोनी के अजीम मेडिकल में जो नीचे दिया जा रहा है उस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके अपना नाम और पता लिखाइए और रगों की शिकायत किसे है, इस मर्ज़ में जो भी मुब्तला हैं आपके करीबी लोगों को अगर ये शिकायत है तो डॉक्टर अजय हेरूर का पता आप ज़रूर। नाज़रीन आदाब एनडीटीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं रियासत में नई हुकूमत बन चुकी है, यानी कांग्रेस की हुकूमत बन चुकी है। इसके साथ ही इख्तदार की मुंतकली भी अमल में लाई गई है और मुख्तलिफ बोर्ड कॉरपोरेशन वगैरह के लिए कई दावेदारान बेंगलुरु ही में मुकीम हैं और वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई अहदा ज़रूर हासिल करें। कुछ कांग्रेस कायदीन रायचूर में भी हैं और वो भी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि वो रायचूर के मुकामी सतह पर या जिलाई सतह पर कोई अहदा हासिल करें। इसी सिलसिले में सीनियर कांग्रेस कायद सैयद शालम ने भी अपने कायदीन से दरख्वास्त की है कि वो उन्हें आरडीए का सदर बनाए। सैयद शालम दरअसल गुज़श्ता 40 सालों से कांग्रेस में हैं और मुसलसल कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ इंतखाबात में उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताने में नहायत ही अहम रोल अदा किया है। उन्होंने दो मरतबा बल्दिया इंतखाबात में भी हिस्सा लिया और वार्ड नंबर 30 से उन्होंने दो मरतबा मैदान में उतरते हुए कोशिश की, लेकिन मामूली से फर्क के साथ एक मरतबा 12 वोटों से और दूसरी मरतबा 22 वोटों से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। इन इंतखाबात के दौरान उन्हें काफ़ी माली नुकसान भी हुआ है और उसके अलावा भी कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने कई मरतबा प्रोग्राम वगैरह मुनाकिद कराए जिसकी वजह से भी उन्हें काफ़ी माली खसारे का सामना करना पड़ा है। वो जिला संतरिंग गुत्तेदारान एसोसिएशन के सदर भी हैं, इसके अलावा मस्जिद गंजे शहीदा के सदर भी हैं। उनकी कई एक अवामी खिदमत हैं जिसकी वजह से वो अवाम में काफ़ी मशहूर और मकबूल हैं, लेकिन अब चूंकि उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है उनका एक पैर कट चुका है, चुनाचे वो मसनूई पैर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हालत में जिन्होंने पार्टी के लिए काफ़ी खिदमत अंजाम दी है, अब पार्टी का भी फर्ज बनता है कि उनके लिए कुछ करे। चुनाचे मोहम्मद शालम ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि उन्हें आरडीए का चेयरमैन बनाया जाए। इस सिलसिले में उन्होंने कांग्रेस के डिफिटेड उम्मीदवार मोहम्मद शालम के अलावा वजीर एनएस भोसराज और कांग्रेस के केपीसी सेक्रेटरी वसंत कुमार और दीगर कायदीन से भी दरख्वास्त की है कि वो उन्हें आरडीए का चेयरमैन बनाए। 40 साल से कांग्रेस में काम कर रहे हैं, क्या आज तक पहुँचते भी है हमारे को वोट पूछे तो नकलते गए याचिन, अगले अब वो ऐसा मौका है कांग्रेस फुल मेजर से है और सबको रिकॉर्ड कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी को पूरे हैंडीकैप हो उसके बाद कोई काम नहीं कर सकता, कोई हिसाब से मेरे को आईडी चेयरमैन बनाओ। मैं 40 साल से काम करे हूँ कांग्रेस में, नहीं करे तो बात अलग है, करते चाहे हूँ पुलिस काम करने चाहे हूँ सब करते मेरे बनाओ तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। और खड़गे साहब को मिले हो क्या धर्म सिंह के फील्ड में काम करे, मैं उससे पहले करे वो अब सीतामा फील्ड करे, दो दिन बाद सीतामा मिले ठीक एक मुल्क आए चुप करे, अब रिकॉर्ड कर लो अच्छा कांग्रेस पार्टी को रिकॉर्ड कर लो मेरे बनाओ 40 साल से काम करे हूँ, अब मेहरबानी कर को बनाओ उनको चुप देने रिकॉर्ड कर लो वसा साहब को और रवि साहब को शालम को वसंत कुमार को सब लोकल वाले को रिकॉर्ड कर लो फिर बनाओ करके मैं कर लो। तीन बार काउंसिल इंडिपेंडेंट टाइप को जीता, उसके बाद कांग्रेस टिकट दिए दो बार दिए कांग्रेस को ठहर आ रहे थोड़े 30-35 वोट से आ रहे क्या हैचिन साहब टिकट दिए ठहरे जीते आ रहे बोलो बोलूँ अभी तक मैं पैसे भी खर्च कर लिया बहुत कांग्रेस पार्टी में काउंसिल को ठहरा कर लो ठहर को आ रहा बहुत वसंत कुमार को मालूम है हैचिन साहब को मालूम है तो कुमार थोड़े थोड़े में गया मैं और लास्ट पीरियड में ऐसा हो गया मेरा हालत को पाँव का हैंडीकैप होने से मैं आराम बढ़ गया वो घर में दिक्कत खर्चा पानी भी नहीं चल रहा मेरा वो चाहते मेरे को दुआ क्या तो वोट दिया को मेहरबानी करो करो। एम्पायर और हमराज की क्या खास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड